दोस्तों, क्या आप भी अपना मोबाइल शॉप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं? मोबाइल शॉप बिजनेस स्टार्ट करने के समय आपको एक डाउट होता होगा कि अगर आप अपना जो भी कंपनी से मोबाइल का डीलरशिप ले रहे हैं, जिस भी ब्रांड का कंपनी का डीलरशिप ले रहे हैं, तो अगर आपका किसी कारण से अगर आपका वो मोबाइल सेल नहीं होता है, या किसी कारण से आप अपना अगर आपका मोबाइल शॉप चलता नहीं और मोबाइल शॉप अपना बंद करने के लिए अगर आप किसी कारण से बंद कर रहे हैं, तो आपके मन में डाउट होता हुआ कि जो आपके पास जो मोबाइल के जो स्टॉक बचा हुआ वो कंपनी रिटर्न लेगा कि नहीं लेगा। तो आज इस वीडियो में बताने वाला, अगर आपका मोबाइल शॉप किसी रीज़न से चलता नहीं है या आप अपना मोबाइल शॉप बंद करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपका जो मोबाइल है वो रिटर्न होगा कि नहीं, इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो बने रहे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहा। और किसी किसी केस में होता है कि आपका एक दो फोन हो गया वो आपका कंपनी का, जैसे एक दो फोन हो गया वो सेल नहीं हो रहा है, जो पुराना मॉडल हो गया आपका सेल नहीं हो रहा है, तो वो भी कंपनी वाले रिटर्न लेंगे कि नहीं, इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास 20-25 ओप्पो के फ़ोन है, तो एक दो फ़ोन ऐसे होंगे जो आपके फ़ोन शॉप पर सेल नहीं हो रहे हैं और वो मॉडल पुराना हो गया है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि उस मॉडल के बंदे एक नया फ़ोन लेने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल कंपनी का जो FSC आता है, जो आपके मोबाइल शॉप पर मोबाइल देने के लिए आता है, उससे अगर आप कहेंगे तो वो आपको ये एक गुड्स रिटर्न होता है जिसे हम शॉर्ट में GRN कहते हैं, वो आपको वो जो मॉडल आपका सेल नहीं होता वो रिटर्न कर वो डीलरशिप में जमा दे देगा या दूसरे मोबाइल शॉप में जमा दे देगा जहाँ वो कंपनी जो फ़ोन का डिमांड है या सेल है, तो वहाँ उस शॉप पर दूसरे शॉप पर जाकर दे देगा या डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास खुद रख लेगा और वो दूसरे शॉप में दे देगा जिस शॉप पर उस फोन का डिमांड है, जो वो फ़ोन सेल करने पाएगा। तो इस तरह से आपका मोबाइल भी रिटर्न हो जाएगा और आपको उस फ़ोन के बदले एक नया फ़ोन उसी प्राइस में उस फ़ोन के बदले एक नया फ़ोन आपको दे दिया जाएगा। इस हिसाब से भी आपका काम हो जाएगा। और आप इनकेस अगर आप अपना मोबाइल शॉप बंद ही करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए तो अगर आप किसी कारण से बंद करना चाहते हैं या आपका मोबाइल शॉप अच्छा चल नहीं रहा, तो आपका जो है वो मोबाइल जो स्टॉक है आपका 20-25-30-50 जो भी स्टॉक है हर ब्रांड का, तो हर कंपनी में रूल है कि वो आपका मोबाइल रिटर्न हो जाएगा। बैलेंस शीट से चेक कर लेजर चेक कर जो आपका हिसाब है वो आपका जो आपका जो हिसाब है वो आप क्लियर कर दिया जाएगा। वो बैलेंस शीट से हिसाब पे सब वो आपका क्लियर कर जाएगा, वो हिसाब में आपका माइनस कर दिया जाएगा, जो भी आपका पैसा निकलता है उसमें माइनस कर दिया जाएगा, तो कंपनी वो मोबाइल ले लेगा। तो अगर आपका मोबाइल शॉप नहीं चलता है तो कंपनी वाले रूल रेगुलेशन के हिसाब से आप जिस भी कंपनी का ब्रांड का मोबाइल शॉप मोबाइल है वो सारे मोबाइल्स कंपनी वाले रिटर्न ले लेंगे। उसके लिए आपको कंपनी वालों को एक बताना होगा कि मैं अपना मोबाइल शॉप बंद कर रहा हूँ, तब आपका कंपनी वाले आपको 10 से 15 दिन या 1 महीने के अंदर आपका जितना भी मोबाइल है वो आप कंपनी वाले रिटर्न ले लेंगे और आपका बैलेंस शीट में आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये बहुत ही आपको नॉलेज फुल वीडियो मिला होगा। वीडियो पसंद आया आपसे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेश्चन रहा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जिससे जल्दी से रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।